गोल ये है कि बिहार में जो स्थिति है, जो बदहाली है, इसको बदलने के लिए पहले, सबसे पहले जमीन पर उतरकर ये समझा जाए पंचायत वाइज, गांव वाइज, कि असली समस्या क्या है और क्या करने से किस पंचायत में विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। हर पंचायत के लिए अगले 10 वर्ष की एक योजना बनाना, ताकि हर पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाया जा सके। दूसरा गोल ये है कि लोगों को, समाज को ये बताया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं को, अपने बच्चों की समस्याओं के आधार पर वोट नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ चर्चा करने से या बात करने से या भाषण देने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। और तीसरा, कि अगर लोग समझ जाएं, आपके पास योजना आ जाए, तो समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए जो यहाँ के अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और उनको साथ में लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए, जो कल होकर चुनाव जीत कर आए तो वो बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी वाहक बने। इसमें सर ये हुआ कि विदाउट पावर, बिना सत्ता के सर आपको काफी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं सर। नहीं, आप बिना, आप उल्टी बात पकड़ रहे हैं। राजनीति और सत्ता को समाज बदल सकता है। जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, समाज में वो समझ नहीं आएगी, तब तक राजनीति नहीं सुधर सकता है। कोई भी आदमी सत्ता में आ जाए, आपने, हमने बिहार में सभी पार्टियों के सभी नेताओं का सत्ता देखा है। आपने भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, लालू जी को देखा, नीतीश को देखा, बहुत बड़े स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ जीवन में। उसकी मूल वजह यह है कि समाज में जो लोग ये सत्ता में जिनको भी बैठाते हैं, जब तक आप और हम शिक्षा के लिए जागृत नहीं हैं, जब तक आप और हम भ्रष्ट तरीके से लोगों का चुनाव नहीं कर रहे हैं, तब तक वो सुधरेगा कैसे। अगर आप मेरा संवाद गांव के स्तर पर देखेंगे, मैं तो लोगों को जाकर यही बता रहा हूँ कि अगर आप 500 रुपया लेकर या मुर्गाबाद खाकर मुखिया के चुनाव में वोट दीजिएगा, तो आपका मुखिया किसी भी हालत में ईमानदार नहीं हो सकता है। जब तक आप अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए, आपके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार नहीं हो सकता है। आप यहाँ का उदाहरण देख लीजिए, रीगा चीनी मिल की बात सब लोग उठा रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हो, पत्रकार हो, गरीब हो, किसान हो, सब बता रहा है। रीगा चीनी मिल आज से नहीं बंद है। रीगा चीनी मिल बंद होने के बाद यहाँ कई चुनाव हुए, लेकिन सांसद वही चुन कर आ रहा है जो पिछले 3 बार से आ रहा है। तो बिहार के लोगों की समस्या ये है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उस पर क्रोधित भी होते हैं, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो हम उन समस्याओं पर वोट नहीं देते। आपने वोट देते समय रीगा चीनी मिल पर वोट नहीं दिया, आपने वोट दिया पुलवामा पर, आपने वोट दिया जाति पर, आपने वोट दिया राम मंदिर के लिए, आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए। तो रीगा मिल चालू होगा कैसे? रीगा मिल तो तब चालू होगा ना जब उस मिल पर आप मिल के बनने या न बनने, चलने या न चलने पर वोट करें। तो वही प्रयास है कि पहले समाज को जाकर इस बात को बताया जाए कि भाई, जो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी बच्चों की जो समस्या है, जब तक तुम उस पर वोट नहीं करोगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। सर, मेरा नाम इमरान खान है और मैं ईटीपी जैसल से हूँ। सर, जिस तरह से अभी हाल ही में जाति सर्वे हुई है, जाति सर्वे आप कहते हैं, सरकार उसे जाति जनगणना कह रही है। सरकार भी उसको जनगणना नहीं कहती है, आप पत्रकार के नाते भी आप समझ लीजिए। जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, जिसका वैधानिक आधार है। सर्वे राज्य सरकार का मामला है, जिसका वैधानिक आधार नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देश को एक नई दिशा मिली है बिहार के इस कदम से। चलिए, अब अगर तेजस्वी यादव जैसे लीडर देश को नई दिशा देने लगेंगे, तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। मेरी शुभकामना है तेजस्वी यादव को, उनके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार की तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। कम से कम अभी सर, जब जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है, तो बिहार में कुछ नहीं तो कम से कम जिन विभागों के वो मंत्री हैं, उसका दिशा ठीक कर दें। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दें, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दें, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नालियों गलियों की दशा सुधार दें। देश की दिशा की बात करना उनके लिए, हम लोग अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं, पंचिंग अबव योर वेट, उनके कद से बहुत बड़ी बात है।
अपनी बात करनी चाहिए। मैं इसको बड़बोलापन कहते हैं, बिहार में इस चीज का बड़ा आदत है लोगों को, जिसको न भाषा का ज्ञान है न विषय का ज्ञान है, लेकिन टीका टिप्पणी करनी होगी तो गांव में बैठ के इजराइल और फिलिस्तीन पर टीका टिप्पणी करेंगे। अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, अपनी पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन टीका टिप्पणी ये कर रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। तो यहाँ के नेताओं को भी ऐसी आदत लग गई है, बेवकूफ़ी को ही यहाँ पर लोगों ने जमीनी हकीकत मान लिया है। आप उसको जमीनी नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को यहाँ का समाज और पत्रकार और सारे लोग कहते हैं यही जमीनी नेता है। जो गाली गलौज करे, जो बदमाशी करे, रंगदारी करे, लूट करे, उसी को आप लोग कहते हैं नहीं यही बिहार में चलेगा। कोई सज्जन आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति अगर आ जाए तो सब लोग मिलकर कहता है भैया बिहार में नहीं चलेंगे। और फिर उसके बाद आप ही गाना गाइएगा कि बिहार में कोई अच्छा आदमी आता नहीं है। भैया बिल्कुल बनेगी, शक्ति है वाली बात नहीं है। जितने लोग बिहार में राजनीति करते हैं मेरी समझ राजनीति की उनसे कम नहीं है, ज्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। तो मैं जितनी राजनीति समझता हूँ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में हर गांव में हर प्रखंड हर पंचायत में समाज के एक बड़े वर्ग में बिहार में परिवर्तन की चाहत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रशांत किशोर को चाहता है या जनसुराज को चाहता है, लेकिन लोग इस 32 बरस के शासन से लालू नीतीश से त्रस्त हो गए हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग नया कुछ चाहते हैं, बिहार में सुधार चाहते हैं, इसको लेकर कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं विश्वनाथ चौधरी, दैनिक रिपोर्टर। आगामी चुनाव में जातिगत सर्वे का क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, इसको बोल्ड में लिख लीजिए। पत्रकारों को ये आपको चूंकि रिपोर्टिंग करनी है, जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको बैठ के चर्चा करनी है। सर्वे आ गया, अब लॉजिकल दो सवाल पूछने की बात है। भाई जिन वर्गों की संख्या ज्यादा है उनको हक देने की बात है, भागीदारी देने की बात है, तो उनकी भागीदारी पर कौन बैठा हुआ है? तेजस्वी यादव जी को अपने दो तीन विभाग छोड़कर जिन वर्गों की संख्या ज्यादा आई है उनको देना चाहिए। नीतीश कुमार को अपने सरकार में और ऐसे विधायकों को मंत्रियों को शामिल करना चाहिए जो उन वर्गों से आते हैं जिनका प्रतिनिधित्व और संख्या ज्यादा होने की नीतीश कुमार और लालू यादव बात कर रहे हैं। कौन बैठा है सत्ता में, किसको भागीदारी देनी है? भाई सत्ता में पिछले 32 बरस से लालू जी और नीतीश जी बैठे हैं, तो अगर किसी वर्ग को भागीदारी नहीं मिली तब तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो हक इन दोनों लोगों ने ही मारा है। आज बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। आप जरा बताइए अति पिछड़ा समाज के कितने मंत्री, जो 36% की बात हो रही है, 36% को रिप्रेजेंट करने वाले मंत्री कितने हैं और उन मंत्रियों के विभागों का बजट कितना है? 18% मुसलमान है, मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो तो दो ही लोगों ने रखा हुआ, या तो वो मुख्यमंत्री के पास है या उप मुख्यमंत्री के पास। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ दो व्यक्ति के पास है, यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो किसकी भागीदारी की ये बात कर रहे हैं? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, भाई ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं, ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं जरा ये बता दें। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे हैं, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए हैं ये बता दें। ये क्या किसको बताएंगे? तो समाज इतना बेवकूफ नहीं है, किसी की संख्या बढ़ा दीजिए किसी की संख्या घटा दीजिए। देखिए ये मैंने पहले भी कहा, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है और ये डूबते हुए राजनेता का एक अंतिम दाव है ताकि समाज में आग लगाकर समाज में बांटकर एक बार किसी तरह से अपना काम चला ले। होने वाला कुछ नहीं है, मैंने पहले भी कहा यार आपके सामने भी रिपीट कर देता हूँ, जितनी समझ हमको राजनीति और चुनाव की है लिख कर दे देते हैं।
अगले लोकसभा चुनाव में जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट अगर आ जाए तो मैं सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूं अपनी गलती के लिए। इस व्यक्ति को, जदयू दल को 5 सीट भी नहीं आएगा, ये अंतिम दाव है, वो चल लिया उसका भी कोई असर नहीं होगा। सर, जेपी नड्डा जी के क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने वाले बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, ये बहुत पुराना बयान है, क्षेत्रीय पार्टी जेपी नड्डा कहने से खत्म हो जाएगा? जेपी नड्डा यहाँ देश का संविधान नहीं ना बदल सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी रहेगी कि राष्ट्रीय पार्टी रहेगी ये तय देश की जनता करती है। जेपी नड्डा या फॉर दैट मैटर कोई दल का नेता या अध्यक्ष नहीं करता है, उनके कहने से क्या होता है। सर, देश के प्रधानमंत्री 2019 में कानपुर के एक रैली में उन्होंने कहा था कि 2022 आते आते पूरे भारत के जितने भी गरीब आदमी हैं सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन हम 2023 के अंतिम महीने में चल रहे हैं, लेकिन अब तक ये जो चीजें हैं, सैकड़ों नहीं हजारों नहीं करोड़ों जो लोग अभी भी बेघर हैं पूरे भारत में। मैं आपको बता दूं, अगले 10 वर्ष भी ये संभव नहीं है कि भारत में हर आदमी को घर मिल जाए। अब जिसने ये बयान दिया, मोदी जी ने, उन्होंने तो और बहुत सारे बयान दिए, उन्होंने तो ये भी कहा कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएगा, आज तक तो नहीं आया। उन्होंने तो कहा कि भैया किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, वो भी नहीं आया, तो आप घर की बात क्यों कर रहे हैं? आप बेसिक समस्या के मूल को समझिए। मोदी जी बिहार में आए, मोतिहारी में चीनी मिल में बंद पड़े कंपाउंड में उन्होंने कहा कि इस चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तभी वोट लेने आऊंगा। मान लीजिए कि उन्होंने जनता को बरगलाया या झूठ बोला वोट लेने के लिए, 14 में ये बात उन्होंने कही। उसी आज तक चीनी मिल बंद है, उस चीनी मिल के एक एक इंच जमीन को वहां के भाजपा के नेताओं ने ही लूट कर सब बांट लिया। गलती मोदी जी ने की या नहीं की वो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता ने, मोतिहारी की जनता ने 14 के बाद जितनी बार चुनाव हुआ भाजपा को ही जिताया। और आपसे हमसे कहिएगा कि आकर के चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है, तो मेरे भाई आप एक और शिकायत कर रहे हैं कि मोदी जी ने हमें झूठ बोला, नेता ने हमें बरगलाया, हमसे गलत वोट ले लिया, और उसके बाद फिर जाकर उसी को वोट भी दे रहे हैं, तो दोनों बात आपके कैसे सही हो सकती है? जो आप, मैं चाहे रीगा मिल हो चीनी या मोतिहारी चीनी मिल हो या दूसरे उद्योग हो, नेता नीतीश जी आए यहाँ समस्तीपुर में, उन्होंने कहा कि हम ये फैक्ट्री चालू कर देंगे आज से 10 वर्ष पहले, और उसी सीट पर फिर नीतीश जी के उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं, तो नेता आपसे डरेगा क्यों? उसको मालूम है कि मैं कुछ भी बोल दूं, वो काम करूं या न करूं, जनता हमको वोट देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सरकार में आऊंगा तो 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा, पहले कैबिनेट में साइन कर दूंगा। अब देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है इस राज्य में कि भाई आपके माँ बाबू जी यहाँ 15 वर्ष मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी, और अगर उन्होंने नौकरी नहीं दी तो आपको कौन सा ऐसा ज्ञान हो गया है कि आप एक ही दिन में दे दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि मैं पहले कैबिनेट में ही इसको साइन कर दूंगा, 10 लाख लोगों का नियुक्ति पत्र जारी कर दूंगा। ये दिखाता है कि आदमी की समझ क्या है। भाई, कैबिनेट को नियुक्ति पत्र बांटने का अधिकार थोड़ी ना है, कैबिनेट तो पद सृजित कर सकती है, उस पर परीक्षा होगा, उस पर नियुक्ति होगी। कह दिया कि पहले ही कलम से साइन करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लोग उसी में ताली बजा रहे हैं, वोट दे दिए। तो अगर आप इस तरह की मूर्खता करेंगे या मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करेंगे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। सर, बिहार का जो है युवा शिक्षित और अशिक्षित रोजगार के लिए जो प्लान को मजबूर है, अगर आप सरकार में या सत्ता होती है, सत्ता में होते हैं, तो आप मूलभूत संरचना के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो है शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता। बिहार में आप लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी सृजित होने से रोजगार मिलेगा या फैक्ट्री लगने से रोजगार लगेगा, दोनों ही बातों से बिहार के 13 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर बिहार में आपको सही मायने में रोजगार क्रिएट करना है तो लोगों को शिक्षित होना होगा और लोगों के हाथ में पूंजी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ 5 गाय भैंस रखकर अपना दूध का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए फैक्ट्री की क्या जरूरत है? 5 गाय भैंस रखकर दूध का कारोबार करने के लिए आपको पूंजी की जरूरत है। पूंजी बिहार में इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लोग बहुत गरीब हैं, और पूंजी का जो दूसरा साधन है वो है बैंकों से मिलने वाला कर्ज। पूंजी समाज में आता कहाँ से है? पूंजी आता है जो आप और हम पैसा बैंक में रखते हैं,
बैंक उसी को कर्ज के तौर पर समाज में लोगों को देता है। इसको जांचने के लिए एक पैमाना है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना पैसा लोगों ने बैंक में रखा और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा लोगों को ऋण दिया। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। इसका मतलब क्या है? पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने 4,10,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। बैंकों को पैसा, बैंकों ने कर्ज कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 2,80,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया, जहां पर लोग रोजगार कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। अब अगर आप 1990 से पिछले साल तक का आंकड़ा निकालिएगा रिजर्व बैंक का, इस बात को यहाँ बिहार में चर्चा करने वाला कोई नहीं है, तो 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार में सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने मिलकर 26,35,000 करोड़ रुपया, याद रखिए 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया। अब आप कहिएगा कि सरकार इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है, तो भैया इस कमिटी का हेड है चीफ मिनिस्टर। जैसे मुख्यमंत्री की बात यहाँ शिक्षक नहीं मान रहा है, डॉक्टर नहीं मान रहा, अधिकारी नहीं मान रहा है, वैसे मुख्यमंत्री की बात बैंक वाले भी नहीं मान रहे। केंद्र सरकार का देश में संवैधानिक ये प्रावधान है कि बैंकों को कम से कम 70% जमा हुई राशि को वही के लोगों को ऋण के तौर पर देना है। बिहार में ये औसत है 40%। आप जरा अंदाजा लगाइए कि 1990 से लेकर पिछले वर्ष तक 26,00,000 करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को कर्ज मिला रहता तो कितने ज्यादा लोगों ने अपना घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने मोटरसाइकिल और कार खरीदा होता, कितने लोगों ने छोटे मोटे रोजी रोजगार, दुकान व्यापार का काम किया होता। वो जब होगा तभी तो आपको रोजगार मिलेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, साल भर के अंदर अगर ये व्यवस्था बन जाए तो साल भर के अंदर जो योजना हम लोग बना रहे हैं, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर हो जाएंगे, ताकि 12,000-15,000 रुपया के रोज नौकरी नहीं है लेकिन रोजगार के लिए किसी को यहाँ से बिहार से पलायन नहीं, एक साल में बिहार के पलायन को रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए ना बजट की जरूरत है, ना योजना की जरूरत है, लोगों को उनके हाथ में पैसा देने की जरूरत है। यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको 2,00,000 रुपया अगर कर्ज मिल जाए और वो आदमी मजदूरी करेगा कि जाकर अपने यहाँ काम करेगा? अगर मान लीजिए आपको बाल काटने आता है, आपके पास 1,00,000 रुपया है तो आप सैलून चलाइएगा, 2 आदमी को नौकरी दीजिएगा। अगर वो 1,00,000 रुपया नहीं है तो किसी सैलून में जाकर 1,500 रुपया में मजदूरी कीजिएगा। ये फर्क समझिए, जब तक पूंजी की उपलब्धता नहीं होगी तब तक रोजगार सृजित नहीं किया जा सकता। ये दुनिया भर का अनुभव है। बिहार में नेता इतने मूर्ख है, इनको एक ही बात समझ में आती है, सरकारी नौकरी। भाई आप 13 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी थोड़ी दे सकते हैं। दूसरा कहता है कि बाहर से फैक्ट्री लग जाए, यहाँ अगर चीनी मिल चालू भी हो जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? अगर घर घर रोजगार पैदा करना है तो घर घर आपको शिक्षा पहुंचानी है और घर घर आपको पूंजी देना है। लोगों में वो ताकत शक्ति है, लोग खुद से कुछ ना कुछ रोजी रोजगार अपना करने लगेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी और एक मीटिंग है, मैं माफी चाहूंगा।